हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्कशीट फॉर किड्स। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और वर्कशीट। तो चलिए देखते हैं हमारी वर्कशीट जो है। सबसे पहले इंग्लिश की वर्कशीट, और इसमें है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके अपोजिट लिखने हैं। जैसे फ्रेंड का एनिमी, बिगिन का एंड, फॉरगेट का रिमेंबर, फ्रेश का स्टेल, इसी तरह से सबके अपोजिट लिखने हैं। अगला है हिंदी में महीनों के नाम। तो 12 जो महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो सब बच्चे को लिखने हैं। इसके बाद अगेन इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म, सी एच की शॉर्ट फॉर्म, वी आर की शॉर्ट फॉर्म, इट इज की शॉर्ट फॉर्म, वाज नॉट की शॉर्ट फॉर्म, तो ये शॉर्ट फॉर्म लिखनी है हर किसी की। तो ये मैंने पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अगली जो वर्कशीट है वो है मैथ की। इसमें कुछ सम्स दिए गए हैं, 4 डिजिट के सब्ट्रैक्शन दिए गए हैं, वो बच्चे को आपको करवाने हैं। इसके बाद इंग्लिश में कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है स्नो प्लस मैन, तो इसका कंपाउंड वर्ड हो जाएगा स्नोमैन। इसी तरह बेड प्लस रूम का बेडरूम, न्यूज़ प्लस पेपर का न्यूज़पेपर, और कप प्लस बोल का कबोर्ड। इस तरह से आप इनका मिला के कंपाउंड्स वर्ल्ड बना सकते हैं। अगला जो है हिंदी में है 11 और 12 की अंकों और शब्दों में 11 और 12 को लिखना है। अगेन इंग्लिश में चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंटू अ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पर है यू हैव ईटन केक, तो हैव यू ईटन केक, दे हैव मैनी फ्रेंड्स, हैव दे मैनी फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा सारे सेंटेंस के एंड में। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगा, जैसे वी हैव प्लेड वेल, हैव वी प्लेड वेल। इस प्रकार से इसको क्वेश्चन वाले सेंटेंस में चेंज करना है। अगला है राइट द नंबर नेम्स फ्रॉम 11 टू 12, तो मैथ में नंबर नेम्स लिखने हैं, स्पेलिंग विद